ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲೇಬೇಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಮರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಣಿಪುರ ಏಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಏಕ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕ ಲೋಗ್ ಮೈತಿ ಲೋಗ್ ಹೈ ಔರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕ ಕುಕ್ಕಿ ಲೋಗ್ ಮತಲಬ್ ಯೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ಲೋಗ್ ಹೈ ಓ ಲೋಗೋಂಕು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಮೇ ಲೇನೆಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಾಂಗ್ ರಕ್ಕೆ ಹೈ ಓ ಮಾಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಲೇಕರ್ ಮೇರಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಪೇ ಹೋನಾ ಮೇರಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಆಪಸ್ ಮೇ ಸಂಘರ್ಷ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಯೇ ಮೇ ಸೇ ಚಾಲೂ ಹೈ ಯೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮೇ ಅಭಿ ತಕ್ ढाई सौ लोग मार चुका है और औरतों को नंगा करके अत्याचार करके जो मर्डर कर रहे हैं वो इतना होते हुए भी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार है कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे तो इसके वास्ते हमारा मांग है पंत प्रधान को हम मांग करते हैं जल्द से जल्द आप इसमें शामिल होके ये जो दंगा मुस्ती चल रहे है संघर्ष चल रहे है इसको ख़त्म करने के लिए हम मांग करते हैं और जो जितने भी मर चुका है सब जुडिशियली इंक्वायरी होना बोल के हम मांग करते हैं और दूसरे जो बेलतंगड़ी तालुके के दो धर्मस्थल है 2012 में एक सौजन्य 17 साल का कॉलेज लड़की को बलात्कार करके उसको मारा गया है वो उसमें धर्मस्थल के पीठाधिपति धर्मेंद्र हेगड़े और उनका फैमिली शामिल हो गए बोल के वीरेंद्र हेगड़े शामिल हो गए बोल के ये मांग था तो फिर बाद में ये सीआईडी को सौंपा गया बिपिन गोपाल कृष्ण डीजी एक सीआईडी इंक्वायरी में एक संतोष राव बोल के अक्यूज्ड को बनाया ये संतोष राव को कोर्ट ने रिहा कर दिया है तो इसके वजह क्या है इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है ये पूरा तमाम री इन्वेस्टिगेशन होना बोल के हमारा मांग है और गुलबर्गा आलन तालुका में एक गांव है 12 साल का लड़की ये स्कूल बच्ची अपने गांव से रिश्तेदार गांव को मिलने के लिए जा रहे थे उसमें अत्याचार कर वो लड़की को अत्याचार करके एक तालाब में फेंक गया तो वो पुराने एक साल के पीछे एक अत्याचार हुआ था वो घने के खेत में फेंका गया था वो अत्याचारी एक आरोपी को पकड़ा गया सो है असली कौन है कल्प्रिट्स उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए बोल के हम कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के राष्ट्रपति को हम मांग कर रहे हैं आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले के पार्टी की तरफ से।